हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपने 4.1 के 19 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से भर जाए, ये इसमें गणितीय आर्थिक सिद्धांत द्वारा प्रूव करने में ये क्या है, संख्या 11 से भर जाए। तो सबसे पहले दिया गया कथन मान लेते हैं pn है, तो pn इक्वल 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1। फिर वही चीज स्टेप फर्स्ट, इसमें n इक्वल 1 रखने पर, n इक्वल 1 रखने पर तो n की जगह पर क्या रखेंगे अपन, 1। तो p1 इक्वल 10 की पावर 2 इनटू 1 माइनस 1 प्लस 1। तो 10 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, 10 की पावर 1 प्लस 1, तो 10 प्लस 1 कितना आ गया 11। तो P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 11। तो 11 किससे भाज्य है, 11 से भाज्य है, तो 11 क्या है, 11 से भाज्य है। तो P1 हमारा क्या आएगा, सत्य है, या P1 बोल सकते हैं 11 से भाज्य है। हो गया ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड, n इक्वल k रखने पर, n इक्वल k रखने पर तो पी के इक्वल में 10 की पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1। तो ये मान के चलेंगे, माना पी के 11 से भाज्य है, माना पी के 11 से क्या है, भाज्य है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान के चलते हैं, के वाली वैल्यू को जो भी दिया उसको सत्य मान के ही चलते हैं। फिर थर्ड, n इक्वल k प्लस 1 रखने पर, k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करते हैं, तो p k प्लस 1 इक्वल में 10 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 और प्लस में कितना है 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर 2 k प्लस 2 माइनस 1 और प्लस में 1। अब देखो यहाँ पर k वाला देखोगे, हमें k में पता है 10 की पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1, ये क्या है 11 से भाज्य है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 10 की पावर 2 के माइनस 1 इंटू 10 की पावर 2, 2 के माइनस 1 कर लिया, विपावरी के ऊपर इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 10 की पावर 2 के माइनस 1 प्लस 2 ये चीज बनेगी, और प्लस में कितना है हमारे पास 1, और प्लस में कितना है 1। अब 10 की स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 10 की पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1, 4 इंटू 10 की पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1, 10 की स्क्वायर। अब देखो हमें पता है संख्या 11 से भाज्य सिद्ध करनी है, किससे सिद्ध करनी है 11 से, लेकिन हमें इतना पता है कि 10 की पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1 ये क्या 11 से भाज्य है। तो 100 को इस प्रकार मान लो कि उसमें 11 का भाग भी चला जाए, और एक ब्रैकेट में हमारे पास ये सिर्फ इतना ही रह जाए, तो इसको लिख लेते हैं 99 प्लस 1 इंटू में 10 की पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1। देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही चीज बनेगी, और ये हमें पता है किससे भाज्य है 11 से। तो देखो इसको क्या लिख लेते हैं, 99 इंटू 10 की पावर 2 के माइनस 1 फिर प्लस 1 इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही है ना, 10 की पावर 2 के माइनस 1 और प्लस में इसकी क्या पड़ा है यहाँ पर 1। इनको इस प्रकार लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अब क्या लिखेंगे, दाएं पक्ष में समीकरण के दाएं पक्ष में दो पद है, दाएं पक्ष में दो पद है, पहला पद 11 से, पहले पद में 99 11 से भाज्य है, पहले पद में 99 क्या 11 से भाज्य है, तो ये पूरा 99 इंटू 10 की पावर 2 के माइनस 1 भी क्या होगा 11 से भाज्य होगा, ये पूरा लिख दोगे। फिर दूसरे पद में 10 की पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1 11 से भाज्य है,
कहां से लिखेंगे? समीकरण एक से लिख देंगे। ये समीकरण एक से बात क्या है 11 से, और ये 99 11 का ही एक गुणनखंड है, 11 का भाग 11 है, तो ये पूरी संख्या भी 11 से क्या होगी? भाज्य होगी। तो अतः n इक्वल k प्लस 1 के लिए हमारा दिया गया कथन सत्य है, अर्थात tan की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य है, और स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, ये सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n, x प्लस y से भाज्य है, x प्लस y से भाज्य है। देखो स्टूडेंट, इसके जैसे हमारे पास 22वां 23वां क्वेश्चन भी इसके जैसे ही है, तो वो आप खुद कर लोगे 22वां 23वां, इसके जैसा मैं 20वां और 21वां आपको करवा रहा हूं। फिर भी कोई दिक्कत हुई तो आप मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करना है हमें x प्लस y से भाज्य है। तो देखो सबसे पहले क्या मान लेते हैं, दिया गया कथन हमारा क्या है Pn, तो Pn इक्वल x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n। अब क्या करते हैं, n इक्वल 1 रखने पर, तो n इक्वल 1 रखते हैं, तो P1 इक्वल में x की पावर 2 इंटू 1 माइनस y की पावर 2 इंटू 1, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो x प्लस y इंटू क्या आएगा x माइनस y। देखो x प्लस y इंटू x माइनस y है, तो x प्लस y का इसमें भाग आएगा, तो ये पूरा भी क्या आएगा x प्लस y से भाज्य है। तो p1 हमारा क्या है x प्लस y से भाज्य है, अर्थात ये p1 हमारा सत्य है, p1 हमारा क्या हो गया यहां से सत्य है। n इक्वल स्मॉल k रखने पर, n इक्वल स्मॉल k रखेंगे, तो p के इक्वल में x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k मान के चलेंगे, माना x प्लस y से भाज्य है, माना ये x प्लस y से भाज्य है। समीकरण नंबर एक हमेशा ये करते भी n इक्वल k पुट करते हैं, उसको मान के चलते भी दिया गया कथन n इक्वल k के लिए सत्य है, यही मान के चलते। थर्ड, n इक्वल k प्लस 1 रखने पर, n इक्वल k प्लस 1 रखने पर, तो p k प्लस 1 इक्वल में x की पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस y की पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस y की पावर 2 इंटू k प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, x की पावर 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2, यहां इसको लिख सकते हैं x की पावर 2k इंटू x स्क्वायर माइनस y की पावर 2k इंटू y स्क्वायर, ये लिख सकते हैं अलग अलग करके, इसको जोड़े तो ये चीज बने। अब तो यहां पर देखोगे समीकरण एक क्या बन रही है, मन क्या है, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k, क्या है x की पावर 2k माइनस y की पावर 2, तो हमें एक ऐसा इसमें पद बनाना है जिसमें हमारे पास क्या रह जाए x की पावर 2k माइनस y की पावर 2। एक तो हमें ऐसा बनाना ही बनाना है, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा दाएं पक्ष में दो पद बना के करने, एक तो ऐसा ही बनाना है सेम। देखो यहाँ पर x स्क्वायर है इसके साथ, इसके साथ क्या है y, x की पावर 2k, इसको क्या देंगे y की पावर 2k हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं हम x स्क्वायर y की पावर 2k जोड़ने व घटाने का, यही हम इसमें जोड़ देंगे और यही इसमें क्या करेंगे माइनस, क्योंकि फिर इसमें से x की स्क्वायर कॉमन आ जाएगी,
ब्रैकेट में x की पावर 2 के माइनस y की पावर 2 के बनेगा। बाकी देखते हैं, हम देखो x की पावर 2 के इनटू x स्क्वायर माइनस y की पावर 2 के इनटू y स्क्वायर प्लस क्या करते हैं x स्क्वायर y की पावर 2 की, क्योंकि है क्योंकि x की स्क्वायर कॉमन आएगी, ब्रैकेट में x की पावर 2 के y की पावर 2 के बनेगी, माइनस भी करेंगे x की स्क्वायर y की पावर 2। ये आपने मुझे यहां से पता लगाना है कि इसमें क्या दिया है। अब हमें ब्रैकेट में चाहिए x की पावर 2 के माइनस y की पावर 2 के, तो इस प्लस वाली के साथ कौन सी संख्या ले लो, माइनस वाली, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x की पावर 2 के इनटू x स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर y की पावर 2 के फिर प्लस x स्क्वायर y की पावर 2 के माइनस y की पावर 2 के इनटू y, ये बन गया हमारे पास। इस इतने में से देखें तो हमारे पास इस इतने में से अलग कॉमन लेते हैं, इस इतने में से अलग, तो देखो यहां पर क्या बन गया। तो यहां से हमारे पास x की स्क्वायर कॉमन आ गई, तो ब्रैकेट में क्या रह गया x की पावर 2 के माइनस y की पावर 2, ये रह गया। इस इतने में से कॉमन हमारे पास क्या आ गया, y की पावर 2 के, ब्रैकेट में रह गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो x की स्क्वायर x की पावर 2 के माइनस y की पावर 2 के प्लस y की पावर 2 के, इसको लिख सकते हैं x प्लस y इनटू x माइनस 1। देखो अब क्या करेंगे, दी गई समीकरण के दाएं पक्ष में दो पद है, पहला पद x की पावर 2 के माइनस y की पावर 2 के x प्लस y से भाग्य है समीकरण एक से, अतः x स्क्वायर इनटू x की पावर 2 के माइनस y की पावर 2 के भी x प्लस y से भाग्य है, ये पद हमने प्रूव कर दिया समीकरण एक से, ठीक है। अगर ये x प्लस y से भाग्य है तो ये पूरा भी किससे भाग्य हुआ, x प्लस y। इसकी बात करें दाएं पक्ष में, अब दूसरा पद है, दूसरा पद x प्लस y से भाज्य है, क्योंकि x प्लस y इसका एक गुणनखंड है, x प्लस y एक इसका गुणनखंड है, तो ये x प्लस y से भाज्य हुआ, इसका अर्थ है ये पूरा भी किससे भाज्य हुआ, x प्लस y से, ये पूरा भी किससे भाज्य हुआ, x प्लस y से, तो अतः k प्लस 1 के लिए हमारा दिया गया कथन सत्य है, k प्लस 1 के लिए सत्य है, तो ये सभी प्राप्त संख्याओं के लिए स्मॉल n बिलोंग्स कैपिटल n सत्य है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करे हुए तो आपके 22वां और 23वां क्वेश्चन इसी प्रकार से वो आप खुद करोगे। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन, चौबीसवां क्वेश्चन है 2n+1 2n+7 लेस देन है n प्लस 3 की होल स्क्वायर, 2n+7 लेस देन है n प्लस 3 की होल स्क्वायर, तो मानते नहीं माना दिया गया कथन pn है, तो pn इक्वल 2n+7 लेस देन है n प्लस 3 की होल स्क्वायर, n प्लस 3 की होल स्क्वायर, तो देखो यहां पर इसको pn मान के n इक्वल 1 के लिए प्रूव करते हैं सबसे पहले, तो p1 इक्वल में 2 × 1+7 लेस देन है 1+3 की होल स्क्वायर, तो क्या है यहां पर 2+7 लेस देन है 4 की स्क्वायर, तो 9 लेस देन है 16, 16 बड़ा ही होता है 9 से, तो ये क्या हमारा सत्य है, p1 हमारा क्या हो गया यहां पर सत्य है। अब n इक्वल k के लिए मान के ले सकते हैं, तो n इक्वल k के लिए तो p के इक्वल में 2k+7 लेस देन में k+3 की होल स्क्वायर, माना p के सत्य है, अर्थात n बराबर k के लिए दिया गया कथन हमारा सत्य है, क्वेश्चन नंबर 1।
अब देखो यहां पर k प्लस वन के लिए प्रूव करना है हमें, तो k प्लस वन के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको, टू इंटू यहां पर ये चीज बनेगी हमारे पास, टू इंटू के प्लस वन प्लस सेवन। पहले एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर k प्लस वन के लिए लेके चले, टू इंटू के प्लस वन प्लस सेवन, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं टू के प्लस सेवन प्लस नहीं टू, लिख सकते हैं इस प्रकार टू के प्लस सेवन प्लस टू, क्योंकि टू के प्लस सेवन तो इससे क्या है लेस देन, ठीक है। यहाँ इसको समीकरण एक से ये भी लिख सकते हैं लेस देन है के प्लस थ्री की स्क्वायर प्लस, लेस देन है के प्लस थ्री की होल स्क्वायर प्लस। देखो टू के प्लस सेवन इसको इसको लिखा ये इतना ही होगा, टू के प्लस टू प्लस सेवन, तो क्या लिख दिया टू के प्लस सेवन प्लस टू, टू के प्लस सेवन इससे क्या लेस देन है, दोनों पक्षों में क्या हो गया दो दो जुड़ गए, इस साइड दो है उस साइड भी क्या कर दे, इसको समीकरण दो दे देते, इसको समीकरण क्या दे देते हैं। अब यहां पर इसकी बात करते हैं, तो यहां पर हमें क्या दिया है इसकी यहां पर रखेंगे वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ रही है यहां से, और यहां लिख देंगे इसमें बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण एक से लिखा इसको, तो यहां पर n इक्वल k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं, n इक्वल k प्लस 1 के, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है और ये लाइन हमारी मेन इंपॉर्टेंट थी भी, यहां पर वैल्यू रख के देंगे 2k प्लस 1 प्लस 7, ये मान इसको लिख दिया 2k प्लस 7 प्लस 2, क्योंकि 2k प्लस 7 किससे लेस देन था k प्लस 3 की होल से, प्लस 2 है तो उस साइड भी प्लस 2 कर दिया, समीकरण एक k प्लस 1 के लिए क्या बनेगा 2k प्लस 1 प्लस 7, यही हो गया, फिर लेस देन यहां पर क्या आएगा k प्लस 1 प्लस में 3, प्लस में 3 की होल स्क्वायर, यही बनेगा प्लस में 3 की होल स्क्वायर। तो देखो यहां पर तो देखो यहां पर एक तरीके से हमारे पास ये बन रहा है 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन है k प्लस 1 प्लस 3 k प्लस 4 की होल स्क्वायर, ये तो हमें प्रूव करना है, इतना बता देंगे। अगर इस कंडीशन की बात करें, देखो यहां पर इस कंडीशन की बात करते हैं, इस कंडीशन में हमें क्या दिया 2k प्लस 1 प्लस 7 की वैल्यू, यहां से प्रूव हो गई, तो क्या दी है वैल्यू 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन किससे दिया k प्लस 3 की होल स्क्वायर प्लस में k प्लस 3 की होल स्क्वायर प्लस में इस। अब देखो यहां पर ये कहां से लेके चल रहे हैं वापस समीकरण 2 से, तो क्या है 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन है इसको ले सकते हैं k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2, यहां से 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस में 11, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। अब ये जो है हमारा यहां से देखें k प्लस 4 की होल स्क्वायर क्या बनेगी, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, इससे ये क्या हुआ लेस देन में हुआ, तो क्या लिख सकते हैं हम यहां से, चूंकि k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 लेस देन है k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, इससे भी ये क्या है ये हमारा इससे बड़ा ही है k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, अगर ये यहां पर इससे छोटा है तो इससे भी क्या रहेगा छोटा ही रहेगा, तो यहां से कंडीशन क्या लिख सकते हैं 2 इनटू k प्लस 1 प्लस 7 हमारा लेस देन है किससे k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, इससे 16 तो यहां से क्या बनेगा 2 इनटू k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन है k प्लस 4 की होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना। देखो कि n इक्वल k के लिए हम सत्य मान के चले, यहां से देखिए यहां पर हमारे k प्लस 1 रखने पर क्या बन रहा है 2k प्लस 1 प्लस 7 ये बन रहा है, इसको क्या लिख दिया 2k प्लस 7, 2k प्लस 1 प्लस 7 बना दे इसको लिख दिया 2k प्लस 7 प्लस 2,
कितना होता है 2k plus 7 किससे लेस देन है k plus 3 की होल स्क्वायर, इसको एक बार भूल जाओ, यही कंडीशन है। तो दोनों पर यहां पर 2 है तो इस साइड क्या कर दिया प्लस का 2। वापस इस कंडीशन को लेके जो 2k plus 1 plus 7 लेस देन है k plus 3 की होल स्क्वायर प्लस में 2, इसको सॉल्व करने पर ये हमारा आ गया k स्क्वायर प्लस 6k plus 11, ये इतना है 9 plus 2 11 हो गया। अगर यहां पर ये पूरा इससे लेस देन है, इससे तो ये संख्या तो क्या बड़ी है, तो इससे भी ये क्या रहेगा लेस देन ही रहेगा। अगर k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 से 2k प्लस 1 प्लस 7 छोटा है तो इससे भी क्या रहेगा छोटा है, क्योंकि ये तो इससे क्या है बड़ी है। तो यहां से इससे लेस देन भी इसको निकालिए, और ये किसकी होल स्क्वायर के k प्लस 4 की, क्योंकि यहां पर हमें 2 भी क्या करना है k प्लस, अतः n इक्वल k प्लस 1 के लिए दिया गया कथन हमारा सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि स्मॉल n बिलोंग्स करेगा कैपिटल n, तो ये सभी प्राकृत संख्याओं के लिए कथन हमारा सत्य है। इसके क्वेश्चन जो छुड़वाए हैं वो खुद करोगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर पर ही होगा, क्योंकि इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन थे। फिर भी इसके कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं।